top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इस लिस्ट में जो कम पावरफुल लोग हैं या मामूली लोग हैं उनके घरों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रेड कर रहे हैं। ऐसी ही तीन इनकम टैक्स की रेड पिछले दो सालों में हुई जिसके कागजात मुझे मिले। उन लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं, परमिंदर सिंह कालरा, विक्रम धीरानी और प्रवीण सोनी, इन तीनों के स्टेटमेंट्स हम आपको बांट रहे हैं आज। इन तीनों ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा है, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है कि हमारे स्विस बैंकों में अकाउंट्स हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमने इनकम डिक्लेयर नहीं की हुई थी और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से हमारे देश में बैठ के आप स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपके पास काला पैसा है, आपको इन बैंकों को यहां पे केवल फोन करने की जरूरत है इनके इंडियन ब्रांच को, और ये आपके घर में आके होम डिलीवरी देके जाते हैं। आप इनको बक्से में काला पैसा दे दीजिए, ये पैसा ले जाएंगे और शाम तक आपका स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खुल जाएगा। हवाला से पैसा भेजा जा रहा है। ये तीन लोग जिन्होंने अपने जुर्म कबूल किया था दो साल पहले, इनके ऊपर दो साल पहले रेड हुई थी, हमें आश्चर्य होता है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर की लिस्ट में इन तीनों के नाम नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो तीन नाम डिस्क्लोज किए हैं वो कौन से नाम हैं? इन तीनों ने तो अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। हम उम्मीद करते हैं कि तीनों ने अगर अपना जुर्म कबूल कर लिया था तो तीनों के खिलाफ दो साल में तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया होना चाहिए था। तो ये तीन नाम इस लिस्ट के अंदर क्यों नहीं है? सेलेक्टिवली एक्शन लिया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी है, डिस्क्लोज की है, उसमें उन्होंने माना है कि प्रवीण बर्मन का भी एक नाम उसके अंदर है। इसका मतलब बाकी जो हमारे नाम हैं, हम मांग करते हैं सरकार से वो ये बताए कि बाकी नाम जो हमने डिस्क्लोज किए हैं वो नाम भी उस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। हम मांग करते हैं सरकार से कि निम्नलिखित एक्शन तुरंत लिए जाएं। सबसे पहले सारे अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट तुरंत जारी की जाए। नंबर दो, इनकी सबकी जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। नंबर तीन, जो गिल्टी पाए जाते हैं उनके खिलाफ यूनिफॉर्म एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी को जेल भेज दो और दूसरे आदमी के खिलाफ कोई एक्शन ना लो, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो तीन स्टेटमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इन तीनों स्टेटमेंट्स को। इन तीनों स्टेटमेंट्स में इन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरह से फॉरेन बैंक्स की इंडियन ब्रांचेस हवाला करने में उनकी डायरेक्ट मदद कर रही है। यही चीज अमेरिका के अंदर पाई गई थी और अमेरिका ने तुरंत उन बैंक्स के ऑफिसर्स को हिरासत में लेके उनकी जब जांच करनी शुरू की तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने सारे नाम अमेरिका वालों को दे दिए। हमारी भारत की सरकार ये क्यों नहीं कर सकती है? जो जो बैंक्स हवाला करते हुए पाए गए हैं इस पूरे मामले में, मेरे पास तो तीन इनकम टैक्स रेड के स्टेटमेंट्स हैं, सरकार के पास तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे। उन स्टेटमेंट्स के आधार पे जो जो बैंक्स की ब्रांचेस देश के अंदर हवाला कर रही हैं, उन सारे बैंक्स की ब्रांचेस के ऑफिसर्स को हिरासत में लिया जाए, उनसे जांच की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो हवाला का रूट कांग्रेस के टाइम में चल रहा था, वही हवाला का रूट आज भी मेरी जानकारी के मुताबिक चल रहा है। हम लोग केवल नाम मांग कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि हवाला का वो रूट अभी तक बंद नहीं किया गया, उसको भी तुरंत बंद किया जाए।